अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपको यू वेलकम जासिर, ठीक है। अच्छा जी, क्या फरमाने हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, मुझे जो है वो मैं अनाउंस कर देती हूँ, ठीक है। मुझे जो है वो CLO अटेंडमेंट क्विज लेना है, ठीक है। और आई एम प्लानिंग टू हैव इट ऑन वीकेंड, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो आप लोग मुझे फिजिबल टाइमिंग बता दो सब अपने लिहाज से, कि आपको कौन सा टाइम फिजिबल है सबको, तो मैं उस हिसाब से आपका अटेंडमेंट क्विज ले लूँगी, ठीक है। CLO अटेंडमेंट क्विज आपका मैं उस हिसाब से ले लूँगी, ठीक है। अब आप लोग मुझे बता दो किस किस को इशू है, क्या टाइम फिजिबल है। मैम वी हैव MBS प्रोजेक्ट विथ वाइवा ऑन सैटरडे, ठीक है। देन वी कैन हैव इट ऑन संडे, मुझे मैंने ये कहा कि मुझे आपका एक CLO अटेनमेंट क्विज लेना है, ठीक है। जिसको जिसके मार्क्स क्विजेज में सही हैं, ठीक है, वो नहीं अटेम्प्ट करे, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन जिसके मार्क्स में मसला है या किसी वजह से क्विज मिस हो गया है, तो वो अटेम्प्ट कर सकता है वो क्विज, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बता दें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स, मैं संडे सैटरडे को, अगर आप लोगों का MBS का वाइवा है तो संडे को है, आधों का सैटरडे को है, आधे को संडे को है, ऐसा कुछ है? बिकॉज आरिफ इज सेइंग संडे एंड बिस्मा इज सेइंग सैटरडे। सैटरडे को नहीं है बिस्मा, कंफर्म इट। असाइनमेंट के मार्क्स नहीं इम्प्रूव होंगे बेटा, क्विज के मार्क्स इम्प्रूव हो सकते, ठीक है। तो संडे को है ना, तो हम सैटरडे को रख लेते हैं, ठीक है। आधे घंटे का क्विज होगा मैक्सिमम आपका, हम सैटरडे को रख लेते हैं। सैटरडे को टाइम आपका नमाज, सैटरडे को हम 3 बजे तक क्विज रख लेते हैं, ठीक है, 2:30 तक या 3 o'clock तक, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो सब अटेम्प्ट करो, ठीक है। जिसके क्विजेस में मार्क्स कम है या किसी भी वजह से मिस हो गया है, तो वो अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, सही है। तो आपका जो अटेनमेंट क्विज है वो हम देन सैटरडे को रखते हैं 2:30 पे, ठीक है। और जिस जिसके मार्क्स में इशू है क्विजेस के, वो उसे अटेम्प्ट कर ले। अगेन आई एम सेइंग कि क्विजेस के मार्क्स से, CLO अटेनमेंट क्विज से आपके क्विज के मार्क्स रिप्लेस होंगे, असाइनमेंट के मार्क्स नहीं रिप्लेस होंगे, ठीक है। अच्छा, असाइनमेंट में जो इशू है जितने भी कम होंगे, वैसे तो देखो मेरा क्राइटेरिया कुछ ये है, होता है, ठीक है, कि बिस्मा आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन, ठीक है। मेरा क्राइटेरिया ये होता है कि जो बच्चा फेल हो रहा है या जिसकी 0 है, ठीक है, किसी क्विज में या क्विज 1 में, क्विज 2 में या क्विज 3 में, या उसके बहुत ही मिनिमम मार्क्स हैं, 1-2 मार्क्स हैं, या वो फेल हो रहा है, तो उसके मार्क्स में इम्प्रूव करती हूँ, ठीक है। इफ़ यू ऑलरेडी गॉट 8 मार्क्स या 7 मार्क्स या मोर देन एवरेज, ठीक है, तो फिर आपको उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। जिसके 1-2 मार्क्स हैं क्विज में, बिल्कुल मिनिमम मार्क्स हैं, वो फेल हो रहा है, ठीक है। अगर आपके जो है वो 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं क्विज में, उस क्विज में, उस पर्टिकुलर क्विज में, लेट से आपका क्विज नंबर 1 है और क्विज नंबर 1 में आपके 6 मार्क्स हैं या 7 मार्क्स हैं, तो इट विल रिमेन सेम, ठीक है। लेकिन जिसके 0 हैं या जिसका 1 नंबर है या 2 नंबर है, उसके मैं इम्प्रूव कर दूंगी इस अटेनमेंट क्विज से, ठीक है। गॉट इट बिस्मा? बेसिकली अटेनमेंट क्विज होता ही इसलिए कि आपका CLO फेल ना हो जाए, ठीक है।
और फोकस करना सीएलओ नंबर 1 पे, क्योंकि सीएलओ 2 और सीएलओ 3 जो है वो आपका फाइनल फाइनल एग्जाम में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो उसको तो आप वहाँ पे भी कवर अप कर सकते हो, उसमें आप वहाँ पे गेन कर सकते हो, लेकिन सीएलओ 1 से अब कोई क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा। तो कोशिश करना कि जिन लोगों का सीएलओ 1 का क्विज मिस हुआ है, ठीक है, सीएलओ 1 बेसिकली आपका जो टॉपिक था वो एरर्स वाला, जो टॉपिक्स हमने पढ़े थे ना फर्स्ट 2 चैप्टर वो वाले, ठीक है, जिसका उधर में से कोई क्विज मिस हुआ है उन टॉपिक्स में से, तो वो ज़रूर उसको अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि वो आपको फाइनल में कवर अप करने का टाइम नहीं, मतलब चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। यार मिड के मार्क्स मैंने आज भी सर नजीब को कॉल की थी, सर नजीब को वो अनलॉक करने हो, वो अनलॉक नहीं किए उन्होंने। व्हाट आई कैन डू इज़ कि मैं आप लोगों को मिड के मार्क्स वैसे ही ग्रुप पे अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। अब ग्रुप पे अपलोड करूँगी तो सबको सबके मार्क्स विजिबल होंगे, अब किसी की शिकायत भी मुझसे नहीं करना। मैं इसलिए अभी तक नहीं कर रही थी कि फिर जिनके कम मार्क्स होते हैं उन्हें वो होती है, ठीक है। तो मैं कर देती हूँ ग्रुप पे अपलोड, फिर अगर आप लोग अग्री हो सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं अभी क्लास के बाद ग्रुप पे जो है वो मिड टर्म के मार्क्स अपलोड कर दूंगी आप लोग के, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स कम टू द टॉपिक। सही है, आज जो टॉपिक मुझे डिस्कस करना है दैट इज इजीएस्ट वन। सही है, हम उसके ज़्यादा मसले मसाइल होंगे उसमें। अच्छा, तो टॉपिक आपका है आज का दैट इज़ बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, हम वैसे थ्योरी में इसको कवर अप कर चुके हैं, लेकिन बिकॉज जो है वो ये आपके कोर्स का पार्ट है, सॉरी हम लैब में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बिकॉज ये आपके कोर्स का पार्ट है तो ऑब्वियसली हमें इसको कवर अप करना है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज कल भी की क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मेजरिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं हम रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, ठीक है। हम क्या क्या यूज़ कर रहे होते हैं, हम वोल्ट मीटर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हमने देखा कि भाई हम सीरीज पैरेलल सर्किट्स बना के और यूजिंग एम मीटर और वोल्ट मीटर भी हम जो है वो यासर आई डिड, मैंने कर दिया, ठीक है, आप LMS पे देख लो मैंने कर दिया है नंबर को। अच्छा जी, मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं ये बोल रही थी कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ टेक्निक टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। बेसिकली आपके पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इट्स नॉट अ सेंसर, ये आपका बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स में काउंट होता है, ठीक है, और हम इसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में काम करते हैं। इट्स यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। होता क्या है कि हम एक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, और उस कुछ इस तरीके का हम जो है वो सर्किट बनाते हैं, डायमंड सर्किट बनाते हैं, और उसमें हमारे पास तीन रेजिस्टेंस यूजिंग फोर रेजिस्टर्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास तीन रेजिस्टेंस अननोन होती हैं और एक रेजिस्टेंस हमारे पास तीन रेजिस्टेंस नोन होती हैं और एक रेजिस्टेंस हमारे पास अननोन होती है, ठीक है। सो बाय बैलेंसिंग द ब्रिज, ठीक है, हम इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, फिनोमेना क्या है कि भाई यहाँ पे इसी जिस फॉर्म में यहाँ पे बात हुई थी उसी फॉर्म में इसको देख लेते हैं, ठीक है। फॉर सपोज वी हैव टू रेजिस्टर्स, ठीक है, पी क्यू जो जिसकी वैल्यू हमें नोन है, हमने दो रेजिस्टर्स यूज़ कर लिए, पी और क्यू जिसकी वैल्यू हमें पता थी, ठीक है। अच्छा, देन आर इज़ अननोन रेजिस्टेंस फॉर अस, ठीक है, हमारे पास आर जो है वो बेसिकली क्या है, वो अननोन रेजिस्टेंस है, और एस जो है वो बेसिकली हमने एक वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, या जिसको हम कहें वेरिएबल रेजिस्टेंस या पोटेंशियोमीटर हमने यूज़ किया हुआ है। इस रेजिस्टेंस का काम क्या है, दिस क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होगी तो इसके रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके, जैसे एडजस्टेबल, ठीक है, तो इसके रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके हम ब्रिज को बैलेंस करेंगे, ठीक है। और जब हम ब्रिज को बैलेंस करते हैं तो हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ब्रिज को बैलेंस करने का मकसद क्या है, ब्रिज को बैलेंस करने का मकसद ये है कि हम इन रेजिस्टेंस को जो है एक सप्लाई वोल्टेजेस देते हैं, ठीक है, फिर हम जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो अपना
सप्लाई वोल्टेज हम कुछ भी दे सकते हैं, 5 वोल्ट 10 वोल्ट, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस. सप्लाई वोल्टेजेस देने के बाद हम क्या करते हैं, हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ब्रिज को बैलेंस करते हैं. ब्रिज बैलेंस कब होगा, जब हमारे पास इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा. ठीक है, हम इस पॉइंट पे देखेंगे वोल्ट मीटर लगा के कि भाई जब हमारे पास यहाँ पे वोल्टेजेस 0 आ रहा हो, इसका मतलब इन दैट सिचुएशन हमारा ब्रिज बैलेंस है. ठीक है, जब हमारा ब्रिज बैलेंस होगा तो उसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरीके से, अगर हमारा ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो वोल्टेज ड्रॉप जो है, वो जो वोल्टेज पी पे जितना ड्रॉप है, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास क्यू पे है. ठीक है, और जितना वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास आर पे है, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास एस पे. ठीक है, तो पी और क्यू के वोल्टेजेस सेम होंगे जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, तभी आपके पास 0 आ रहा होगा. ठीक है, और आर और एस के जो है वो वोल्टेजेस इक्वल होंगे. ठीक है, और ब्रिज बैलेंस होगा कैसे, ब्रिज बैलेंस ऑब्वियसली हम पोटेंशियोमीटर को चेंज करेंगे, पोटेंशियोमीटर की वैल्यू मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू, और जब तक हमारे पास यहाँ पे वोल्टेजेस 0 नहीं आ जाते, जब तक हम उसे एडजस्ट करेंगे, और जब वो 0 हो जाएंगे तो इट्स मीन्स आवर ब्रिज इज बैलेंस. ठीक है, और बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास वी पी बराबर होगा वी क्यू के. ठीक है, जो वोल्टेज ड्रॉप एट पी रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप एट क्यू रेजिस्टेंस. ठीक है, एंड वोल्टेज ड्रॉप एट आर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप एट एस रेजिस्टेंस. ठीक है, तो दिस विल बी इस कंडीशन में हमारा ब्रिज बैलेंस है. ठीक है, जब हमारे पास जो है वो इस वी पी और वी क्यू और वी आर और वी एस को मैं इन टर्म्स ऑफ करंट लिख सकती हूँ. ठीक है, हमने क्या कहा कि भाई हम ये कह रहे हैं कि इस ब्रांच में से जो करंट गुजर रहा है, ठीक है, पी और आर में से जो करंट गुजर रहा है दैट इज आई वन, और क्यू और एस में से जो करंट गुजर रहा है दैट इज आई टू. ठीक है, ज़ाहिर ये नोड है और नोड पे करंट डिवाइड हो रहे होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो भी करंट यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है. तो एक ब्रांच आपकी ये है दैट इज मेड अप ऑफ पी एंड क्यू पी एंड आर, और सेकेंड ब्रांच ऑफ आपकी क्या है क्यू और एस. तो आई वन जो है हम कह रहे हैं वो पी और आर में से पास हो रहा है, और आई टू जो है वो क्यू और एस में से पास हो रहा है. तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई वन आर इज इक्वल टू आई टू एस, और आई वन पी इज इक्वल टू आई टू क्यू. ठीक है, इन दोनों टर्म्स को हम आपस में डिवाइड कर लेंगे. जब हम दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास बेसिकली किसका रेशो आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली अननोन रेजिस्टेंस का रेशो आ जाएगा, दैट इज आर इज इक्वल टू एस पी डिवाइडेड बाई क्यू. ठीक है, वेयर एस इज द वेरिएबल रेजिस्टर एंड पी एंड क्यू आर द फिक्स रेजिस्टर्स. ठीक है, तो इसके थ्रू हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके फिनोमेना होता है, वर्किंग क्राइटेरिया होता है किसका, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का. ठीक है, अगेन आई एम सेइंग व्हीटस्टोन ब्रिज इज नॉट अ सेंसर, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज आप अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए फाइंड आउट कर रहे होते. ठीक है, अच्छा इससे रिलेटेड ये सिंपल सी न्यूमेरिकल दिया हुआ सॉल्व करके देख लेना, आसान सी वैल्यूज हैं. आपके पास फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस की भी वैल्यू गिवन है, आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और फिर दो केसेस दिए हैं उसको सॉल्व करना है. एग्जांपल नंबर 7-4 आप अपनी प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हो. वैसे तो ईजी है, सिंपल फॉर्मूला यूज हुआ है रेजिस्टेंस. ठीक है, उसके बाद हम कहाँ आ जाते हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, ये खाली अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए बेसिकली नहीं यूज होता. ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो आपके पास अननोन कैपेसिटेंस और अननोन इंडक्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज होता है. ठीक है, बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो खाली रेजिस्टेंस मेजरमेंट ब्रिज नहीं है, बेसिकली दीज आर द इम्पीडेंस मेजरमेंट ब्रिज. ठीक है, आप इस रेजिस्टेंस की जगह आप कैपेसिटेंस भी कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकते हो. मतलब आपके पास दो जो है वो फिक्स नॉन कैपेसिटेंस हो, एक एडजस्टेबल कैपेसिटर हो, और आपके पास जिसके थ्रू आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, आप अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू
फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली जो कैपेसिटर के साथ कैपेसिटर फाइंड आउट करने के लिए ब्रिजेस यूज़ होते हैं, या इंडक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए ब्रिजेस यूज़ होते हैं, उसके साथ हमारे पास रेजिस्टेंस भी लगती है, मतलब वो बेसिकली इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, डिस्कस किए हैं आपके बुक में, देखना चाहो तो उसको एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं उसको इंक्लूड कर नहीं रही, ऑब्वियसली टॉपिक्स आपके पास वैसे बहुत ज़्यादा हो गए। ठीक है, लेकिन आपकी बुक में डिस्कस किए हैं चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप उसको देख लेना, चाहो तो एक नज़र देखना, मैं दिखा भी देती हूँ। कुछ इस तरीके से आपके पास सीरीज पैरेलल सर्किट्स बनते हैं। ठीक है, ये तो कॉम्बिनेशन है इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का। हाँ देखो, ये भी स्टोन ब्रिज यूज किया हुआ है टू फाइंड द अनोन कैपेस इंडक्टेंस। ठीक है, देखो L1 LS। ठीक है, और इस तरह से आपके पास बताने का मकसद ये है, ठीक है, कि आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हुए आप जो है वो इंडक्टेंस, अननोन इंडक्टेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो और अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। इट्स नॉट ओनली यूज फॉर द रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा जी, मूव ऑन। हमारे पास एक जो मसला आता है, ठीक है, वो मसला क्या आता है, हमारे पास ये आता है कि जब हम मेजरमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक छोटा सा मसला आता है। वो क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि भाई जब हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू, बहुत ही लो वैल्यू रेजिस्टेंस की यूज़ कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम स्मॉल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो जो आपके पास जो वायर्स होते हैं, जो लेड होती है, लेड वायर्स होते हैं, ठीक है, बेसिकली उसका बहुत ज़्यादा आपके पास सर्किट पर इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, फॉर सपोज मेरे पास एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, स्मॉल इन द सेंस मैं कह दूँ भाई 0.001 ओम्स का एक रेजिस्टर है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि भाई उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी इतनी स्मॉल है, तो जो उसकी लेड की रेजिस्टेंस होती है ना, जो उसकी वायर्स की रेजिस्टेंस होती है, जो हम लेड वायर्स फॉर मेजरमेंट या फॉर कनेक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके जो वायर्स की रेजिस्टेंस होती है वो भी उसमें एडअप हो जाती है। ठीक है, जब हमारे पास रेजिस्टर की वैल्यू या कैपेसिटर की वैल्यू या इंडक्टर की वैल्यू बड़ी होती है, ठीक है, जब हमारे पास लार्ज वैल्यूज होती हैं, तब हमें उस लेड रेजिस्टेंस की फिक्र नहीं होती। क्यों? फॉर सपोज मेरे पास 1 kΩ का रेजिस्टेंस है, 1 kΩ मतलब 1000 ohms। ठीक है, मेरे पास 1000 ohms का रेजिस्टर है, उसके साथ कोई लेड रेजिस्टेंस आ रही है 0.01 ohms। ठीक है, तो 1000 और 0.01 में बहुत, मतलब 1000 के लिहाज से कंपैरेटिवली बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे सर्किट पे उससे इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, इसलिए हम उसको कैटर नहीं करते, उसको कंसिडर नहीं करते। ठीक है, हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है दैट इज़ फाइन। ठीक है, हम लेड रेजिस्टेंस को इनकॉर्पोरेट नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी छोटी वैल्यू है रेजिस्टेंस की, फॉर सपोज रेजिस्टेंस की वैल्यू ही 0.01 है, उसके साथ लेड रेजिस्टेंस भी 0.01 आ गई, तो वो क्या हो जाएगी, कंबाइन होके बेसिकली वो 0.02 हो जाएगी। ठीक है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक फॉर अस ना। ठीक है, तो इन दैट केस इन इस टू फाइंड आउट द स्मॉल रेजिस्टेंस या स्मॉल कैपेसिटेंस, इस जो ये जो हमारे पास वो आ रही होती है, क्या कहते हैं, लेड रेजिस्टेंस आ रही होती है, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है, इसको स्ट्रे कैपेसिटेंस या स्ट्रे इंडक्टेंस या स्ट्रे रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, कि जो हमारे पास एक तो एक्चुअल वैल्यू होती है रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस की, ठीक है, और जो उसके साथ लेड रेजिस्टेंस या जो लेड रेजिस्टेंस या वायर रेजिस्टेंस आ रही है वो बेसिकली आपके पास उसे क्या कहा जाता है, उसको स्ट्रे रेजिस्टेंस, स्ट्रे कैपेसिटेंस या फिर रेजिडुअल कैपेसिटेंस, रेजिडुअल इंडक्टेंस या रेजिडुअल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, इस
इस मसले से बचने का हल क्या है? हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास कैपेसिटर की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, और फॉर सपोज हम एक कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू बहुत छोटी है, और हम ये चाहते हैं कि उसमें जो लेड रेजिस्टेंस है वो हमारे पास जो है वो इन उसमें एड अप ना हो, वो हमारे पास ना आए, उसकी वजह से इफेक्ट जनरेट ना हो, और हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है खाली वो आ रही हो, ठीक है। तो इसके लिए जो मेथड यूज होता है वो बेसिकली उस मेथड को कहते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करते हैं, और सब्सटीट्यूशन मेथड को यूज करते हुए कि हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली सब्सटीट्यूशन मेथड अब है क्या, ठीक है। पहला हम केस देख लेते हैं फॉर द केस ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। हमने एक ब्रिज लिया जिसके थ्रू हम जो है वो अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रिज डिज़ाइन करेंगे, और जहाँ पे हमें अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू लगानी थी, अननोन कैपेसिटेंस की वो वैल्यू जो स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, जहाँ पे हमें अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू लगानी थी वहाँ पे हम पहले क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, हम वहाँ पे एक लार्ज कैपेसिटेंस लगाएंगे, ठीक है, एक लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस लगाएंगे, ठीक है। लार्ज वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस लगा के हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें पता है कि भाई एक रेजिस्टेंस हमारे पास छोटी है, ठीक है, और एक कंपैरेटिव, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है, बट हमें ये पता है दिस रेजिस्टेंस इज स्मॉल एंड दिस रेजिस्टेंस इज लार्ज, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने उस लार्ज कैपेसिटेंस को उस जगह पे हमने लगा दिया जहाँ हमें स्मॉल कैपेसिटेंस अननोन, मतलब ब्रिज के उस पार्ट में जहाँ पे हमें अननोन कैपेसिटेंस लगानी थी, ठीक है। हमने इसके हिसाब से लार्ज कैपेसिटर था जिसको मैं फॉर सपोज C1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। हमने वो C1 उससे कैलकुलेट कर लिया, CL कह लो, C1 कह लो, लार्ज कैपेसिटर है तो CL कह लो, मैं आपके CL ही कहा गया, ठीक है। अच्छा, पहले ये हो गया, हम CL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम उस लार्ज कैपेसिटर के साथ एक स्मॉल कैपेसिटर जो है वो लगाएंगे, ठीक है, और उस स्मॉल कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्टेड करेंगे, ठीक है। जब उन दोनों को हम पैरेलल कनेक्टेड करेंगे, अब हमारे पास जो आउटपुट कैपेसिटेंस आ रही होगी ब्रिज के बैलेंस होने के बाद, वो क्या होगी, वो बेसिकली सम होगी किसका, लार्ज कैपेसिटर का और जो स्मॉल कैपेसिटेंस थी उसका, ठीक है। इनिशियली हमने पहले क्या किया, सबसे पहले क्या किया, हमने एक लार्ज कैपेसिटर लगाया ब्रिज में, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। फिर हमने एक स्मॉल, कंपैरेटिवली स्मॉल कैपेसिटर लगाया और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब जब हमारे पास पहले वाला रिजल्ट क्या आया, लार्ज कैपेसिटर की वैल्यू आई, ठीक है, दूसरे केस में हमारे पास क्या आया, लार्ज कैपेसिटर प्लस स्मॉल कैपेसिटेंस की वैल्यू आई, ठीक है। अब थर्ड हमने क्या क्या करना है कि हमें उसी सर्किट में पैरेलली तीसरा रेजिस्टेंस भी लगाना है और तीसरी कैपेसिटेंस भी लगाना है, और वो तीसरी कैपेसिटेंस कौन सी होगी जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो अननोन है, ठीक है। मैंने क्या कहा, हमने कहा कि भाई हम सबसे पहले हमने अपने ब्रिज में लगाया CL, ठीक है, पहले स्टेप में हमने CL की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर हमने लगाया CL पैरेलल विद CS स्मॉल कैपेसिटर, ठीक है। अब जो हमारे पास आउटपुट पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, आपको पता है कैपेसिटर जब सीरीज में, जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनकी वैल्यूज एड अप होती हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास जो आउटपुट पे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली क्या होगी, सम होगी किसका, सीरीज कैपेसिटर, लार्ज कैपेसिटर का और स्मॉल कैपेसिटर का, ठीक है। आउटपुट पे जो वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली क्या होगी, सम होगी किसका, CL प्लस CS का, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड केस में हमें क्या करना है, अब हम इसके साथ एक और कैपेसिटेंस ऐड कर देंगे, अब वो वाली कैपेसिटेंस ऐड करेंगे जो बेसिकली हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे, दैट वाज CX, ठीक है, अननोन कैपेसिटेंस जो थी हमारी, जो हमें एक्चुअली फाइंड आउट करनी थी और जो कि स्मॉल थी, ठीक है। तो अब जब हमारे पास आउटपुट वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली क्या आ रही होगी, वो आ रही होगी CL प्लस CS प्लस CX, ठीक है। अब अल्टीमेटली होगा क्या, हमारे पास जब ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इस वैल्यू में से हम ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस वैल्यू में से जब मैं ये वाली वैल्यू माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगी, मेरे पास खाली CX की वैल्यू बच जाएगी, दैट विल बी स्मॉल, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ
कि हमारे पास जो लेड रेजिस्टेंस हम कह रहे थे, जो रेजिड्यूल रेजिस्टेंस स्प्रे सॉरी रेजिस्टेंस बोल रही कैपेसिटेंस, ठीक है, जो हमारे पास लेड कैपेसिटेंस थी या हमारे पास स्प्रे या रेजिड्यूल कैपेसिटेंस जो हम जैसे कह रहे थे, जो हमारे पास वायर्स की वजह से आ रही होती है, कनेक्टर्स की वजह से आ रही होती है, ठीक है, उस कैपेसिटेंस, वो कैपेसिटेंस क्या होगी, वो इसमें ऐड हुई भी होगी, जब हम सी एल और सी एस का सम मालूम करेंगे तो वो कैपेसिटेंस इसमें ऐडअप हुई भी होगी, ठीक है। और जब हमने थर्ड केस में सी एक्स फाइंड आउट किया तो हमने क्या किया कि सी एल और सी एस को उसमें से माइनस कर दिया। जब हमने सी एल और सी एस को माइनस कर लिया, इसका मतलब जो हमारे पास जो नेट रेजिडुअल कैपेसिटेंस थी, जो उसमें ऐड हुई भी थी, स्ट्रे कैपेसिटेंस उसमें ऐड हुई भी थी, वो भी सब्ट्रैक्ट हो गई अल्टीमेटली। तो हमारे पास जो आउटपुट पे सी एक्स की वैल्यू बची, दैट वॉज ओनली द वैल्यू ऑफ दैट कैपेसिटेंस, स्मॉल कैपेसिटेंस। अब वो जितनी भी स्मॉल कैपेसिटेंस हो, आइदर वो 0.01 हो, जो जितनी भी 10 माइक्रो, 100 माइक्रो, 1000 माइक्रो फेराड हो, जितनी भी स्मॉल वैल्यू हो, हम इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। और हमारे पास जो अब जो अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही होगी, दैट विल बी ओनली द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट कैपेसिटेंस, ठीक है, उसमें हमारे पास रेजिड्यूअल कैपेसिटेंस, स्ट्रे कैपेसिटेंस शामिल नहीं होगी, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात, कि क्या कहा मैंने, क्या समझाया यहाँ तक, किसी को सवाल? ठीक है, दिस मैथड इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन मैथड, ठीक है। ये जो हम कैपेसिटेंस चेंज कर करके हम जो वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, दिस मैथड इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन मैथड, ठीक है। और ये ब्रिज के साथ ही यूज होता है बेसिकली, ठीक है, मतलब ब्रिज में जहाँ हमें अननोन कैपेसिटेंस लगानी है, वहाँ हम ये बार बार कैपेसिटेंस चेंज करके, पैरेलल कनेक्शन करके हम अननोन कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, सेम केस फॉर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ठीक है। कैपेसिटर्स पैरेलल में ऐड होते हैं, ठीक है, और आपको पता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो है वो सीरीज में ऐड होते हैं, ठीक है, बस फर्क इतना है, हम इसी तरह इसी सब्सटीट्यूशन मेथड से हम रेजिस्टेंस, स्मॉल रेजिस्टेंस और स्मॉल इंडक्टेंस की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बस फर्क क्या होगा, बस फर्क ये होगा कि हम कैपेसिटर्स को पैरेलली ऐड कर रहे थे, मतलब पहले हमने लार्ज कैपेसिटर रखा था, फिर पैरेलली ऐड किया था स्मॉल कैपेसिटर, फिर पैरेलली ऐड किया था हमने क्या अननोन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हम सीरीज में ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो कैपेसिटेंस ऐडअप होती है, और इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तब इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस ऐड होती है, ठीक है। तो इसी मेथड से जो हमने कैपेसिटर के लिए डिस्कस किया, सेम इसी मेथड से ब्रिज को यूज़ करते हुए हम स्मॉल रेजिस्टेंस और स्मॉल इंडक्टेंस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कैपेसिटर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल नहीं होंगे, अगर है तो पूछ लो, कि मुझे एक बात डिस्कस करनी है, फिर हम वो डिस्कस करते हैं। दैट वॉज द लास्ट टॉपिक, ठीक है। एनी कन्फ्यूजन एनी वन? ठीक है, सही है। अच्छा, अब छोटी सी चीज जो आप लोगों के लिए फेवर में है, ठीक है, वो क्या है भाई, एक छोटी सी चीज़ ये है कि कुछ बच्चों के असाइनमेंट मिस हुए हैं, ठीक है, और वो असाइनमेंट डेडलाइन गुजर गई है, वो असाइनमेंट सबमिट नहीं करवा पाए हैं, ठीक है, तो आपके लिए वो असाइनमेंट तो ज़ाहिर है मैं अब क्योंकि वो LMS पे अपलोड कर हो चुके हैं, तो मैं उसके डेडलाइन के बाद उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। एक जो आप लोगों के लिए मैं फेवर कर सकती हूँ, वो ये एक छोटा सा फेवर ये है, ठीक है, कि आपको मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ, ठीक है, दैट विल बी योर CEP, ठीक है। अच्छा, अब CEP में करना क्या है, आसान सा काम है ये, अभी इसमें बिल्कुल घबराने की, मुझे पता है आप लोगों के पास वर्कलोड है, काम है, ठीक है। CEP में करना है क्या है, मेहनत खुद भी नहीं करनी है आपको, खुद से कोई सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको CEP दूंगी, बुक में आपके इसी टॉपिक की एक एग्जांपल हुई हुई है, बेसिकली दो एग्जांपल हुई हुई हैं, एक है आपकी पेज नंबर
एग्जाम्पल नंबर, ये चैप्टर 8 है जो मैंने अभी टॉपिक्स पढ़ाया, दैट इज चैप्टर नंबर 8, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8-4 है, ठीक है। ये बेसिकली ब्रिज कैपेसिटेंस का जो है वो सर्किट है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8-4 एंड एग्जाम्पल नंबर 8-10 है, ठीक है, सही है। तो बेसिकली मैं करूँगी क्या, मैं आपको एक सीईपी दूंगी, ठीक है। आपको करना क्या होगा कि उस सवाल वो यही होगा जो 8-4 और 8-8 में है, 8-10 में है, ठीक है। 8-4 एंड 8-10 आपस में कनेक्टेड हैं दोनों एग्जांपल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका क्वेश्चन दूंगी, जो सॉल्यूशन 8-4 और 8-10 में हुआ है आपको एज इट इज़ वो सॉल्यूशन देख के लिख के और मुझे सबमिट करवाना, ठीक है। आपको इसमें खुद से कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ देख के लिख के मुझे सबमिट करवाना है। इससे होगा क्या कि ये आपके पास ऐड हो जाएंगे मार्क्स आपके सीएलओ नंबर 3 में, ठीक है, और जो आप इस सीईपी के मार्क्स, तो जिसका असाइनमेंट नंबर 3 मिस हुआ है तो उसको यहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा कि उसका उसमें ज़ाहिर वेटेज कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सीईपी, ये वाला सीईपी सबमिट सबने करवाना है, ठीक है, आपके उस सीएलओ में मार्क्स ऐड होंगे बेसिकली, ठीक है। सबमिट ये सबने करवाना है, करना कुछ भी नहीं है। एग्जांपल नंबर 8-4 और अपने पास लिख लो चाहो तो, एग्जांपल नंबर 8-4 और एग्जांपल नंबर 8-10 जो है वो आपस में कनेक्टेड है दोनों, मतलब कंटिन्यूट पार्ट है एग्जाम्पल नंबर 8-4, एग्जाम्पल नंबर 8-10 8-4 का, ठीक है। तो मैं आपको सीईपी में यही सवाल बना के दूंगी, आपने बस ये एग्जांपल देख के सॉल्व करके और सबमिट करवानी है, ठीक है। तब सबमिट कल तक करवानी, कब तक करवानी है, मैं आज अपलोड कर दूंगी, आज से कल तक का टाइम है, कल तक आप उसको सॉल्व करके सब और सबमिट कर देना, ठीक है। देख के लिखना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि आपके सीएलओ 3 का वेटेज जो है वो दो असाइनमेंट्स में, असाइनमेंट 3 और असाइनमेंट सीपी में डिवाइड हो जाएगा, और इससे आपके असाइनमेंट के मार्क्स जो हैं वो इंप्रूव होने के चांस है, ठीक है। ऑब्वियसली इसके क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन सबका ही, क्योंकि देख के ही लिखोगे सॉल्यूशन तो सबका ही सही होगा, तो आपके इस तरह मार्क्स इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात, मैं इसको आज अपलोड कर देती हूँ आज की तारीख में ही, और आप कल तक इसको सबमिट करवा दें, ठीक है। अच्छा, टुडे वाज योर लास्ट लेक्चर, ठीक है। ये अभी तक के जितने टॉपिक्स पढ़ाए हैं, ठीक है, वो सारे टॉपिक इंक्लूडेड होंगे। अच्छा, फाइनल के लिए एक बार सुन लो, फाइनल के लिए जो हम CLO 1 है, ठीक है, जो बेसिकली एरर्स वाले जो टॉपिक थे जो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 और 2, ठीक है, वो फाइनल में इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है। फाइनल में क्या इंक्लूड होंगे, जितने सेंसर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, और जितने मीटर्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें फाइनल में इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम में आपके पास चैप्टर नंबर 1 और वो जो एरर वाले चैप्टर थे उससे आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, बस आपके पास जो सेंसर्स हैं सारे और जो इंस्ट्रूमेंट सारे हमने उसके बाद पढ़े हैं आज तक, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके फाइनल एग्जाम में इंक्लूडेड होंगी, ठीक है। CLO अटेनमेंट क्विज आई एम रिपीटिंग अगेन, जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया, CLO इम्प्रूवमेंट क्विज आपका कब है, आपका सैटरडे एट 2:30, ठीक है। ये सारी बातें मैं ग्रुप पे पोस्ट भी कर देती हूँ ताकि आपको एज अ रिमाइंडर याद रहे, सही है। और फिर इंशाल्लाह कहीं भी कोई भी इशू हो तो उससे पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये वाला लेक्चर मैं, हाँ, अभी लेक्चर के बाद अपलोड कर देती हूँ यहाँ से, ठीक है। जिसने असाइनमेंट मार्क, जिसने अटेंडेंस मार्क नहीं किया, अटेंडेंस मार्क कर दो अपनी, इंशाल्लाह ताला अब सैटरडे को क्विज़ के दरमियान मुलाकात होती है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू, और इंशाल्लाह अब आपके पास फाइनल में मिलते हैं। अच्छा, मिड के मार्क्स मैं अभी अपलोड करूँ, देख लेना एक दफ़ा, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।